हाय गाइस, इरफान अल्लाह आपको डॉट्स मीडिया की तरफ से वेलकम कहता है। आज इस ट्यूटोरियल में हम सीएसएस की कोडिंग स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने ये बेसिक मार्कअप बनाया था, जैसे पेज को अगर लोड करूं तो ये नज़र आ रहे हैं। मैंने ये किया कि इमेजेस को कुछ जो स्लाइस किया है उसे इसमें इंक्लूड किया है। आप ये देख ले, फेसबुक वाला, ट्विटर और सब लाइन वाला, और इस तरह मैं CSS स्टार्ट करूंगा। तो CSS स्टार्ट करने से सबसे पहले मुझे चाहिए CSS रीसेट। CSS रीसेट हम इसलिए यूज़ करते हैं कि नॉर्मली डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होते हैं वो डिफ़ॉल्ट स्टाइल शीट ऐड करते हैं, तो जिसकी वजह से हमारे अक्सर हमारा वेब पेज एक ब्राउज़र में एक तरह का नज़र आता है, दूसरे पेज में दूसरी तरह का नज़र आता है। तो इसलिए हम ब्राउज़र इनकंसिस्टेंसी को रिमूव करने के लिए CSS रीसेट यूज़ करते हैं। तो मैं एरिक मायर वाला यूज़ करूँगा। याहू वाला फेमस है, एरिक मायर वाला, और एक नॉर्मलाइज अब नया आया है HTML5 CSS तरीके। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गूगल में एरिक मायर CSS रीसेट। तो ये मैं उसकी वेबसाइट पे आ जाता हूँ। ये जो करंटली है एक्चुअली HTML5 वाला है, तो मैं ये पुराना वाला यूज़ करूँगा जो XHTML। तो ये मैं कॉपी कर लूँगा, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, सबलाइन में आ जाऊँगा, फाइल न्यू सेव, यहाँ पे CSS में बना दूँगा और मैं लिख दूँगा रीसेट डॉट CSS, सेव हो गया और ये मैंने पेस्ट कर लिया। अब मुझे यहाँ पे इस फाइल को इंक्लूड करना होगा HTML में, तो ये मैं हेड में आ जाऊँगा, मैं लिख दूँगा लिंक टैग, लिख दूँगा हाइपर रेफरेंस कहाँ पे है, ये CSS फोल्डर के अंदर है, आप देख ले CSS फोल्डर के अंदर है /reset.css। टाइप क्या है, टाइप इज इक्वल टू टेक्स्ट CSS, और रिलेशन क्या है स्टाइल शीट। अगर अब मैं रिफ्रेश करूं, अगर ये सक्सेसफुली इंक्लूड हुआ तो आप देख ले इस पेज का पूरा डिफरेंट हो जाएगा। अच्छा, आप देख जो डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र अपने स्टाइल शीट ऐड करता है, हेडिंग पे करता है, लिंक्स पे करता है, मार्जिन पैडिंग ऐड करता है, तो हम एक्चुअली रीसेट CSS रीसेट के ज़रिए वो ख़त्म कर देते हैं। अब इसकी मैं अब नया बनाऊंगा, मतलब ये जितनी सारी फॉर्मेटिंग है, अब मैं CSS एक और स्टाइल शीट फोल्डर बनाऊंगा और इसे मैं स्टाइल करूंगा। तो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे, ये मैंने इंक्लूड कर लिया है। अब मैं एक नया CSS फाइल बनाता हूँ, style.css, और वो मैं यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। CSS जो रिसेट फाइल होता है इसमें मैं चेंजेस नहीं करना चाहता हूँ। उसने आप देख ले सारे हर एक टैग HTML उसको रीडिफाइन किया, उसकी मार्जिन पैडिंग बॉर्डर आउटलाइन फॉन्ट साइज और ये सब कुछ मॉडिफाई किया हुआ है। तो इसे मैं क्लोज कर देता हूँ। अब मुझे अपनी कोडिंग इस फाइल में करनी होगी। तो ये सेव हो गया है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, मैं बॉडी को टारगेट करूँगा। जो अच्छा, मैं इसे यहाँ पे एक ऑप्शन होता है लेआउट टू कॉलम में कर देता हूँ। अच्छा, अब मैं स्टाइल शीट यहाँ पे लिखता हूँ। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपनी बॉडी टैग को टारगेट करता हूँ। CSS में हम कमेंट इस तरह लिखते हैं, designed and coded my phone number and date is the same 24/9/2020। okay, तो अब मैं body tag को target करता हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा, body tag लिख दूंगा। क्या करना चाहता हूँ कि मैं
इसकी बैकग्राउंड कलर में सबसे बैकग्राउंड कलर तो पेज का ऑलरेडी वाइट है, मैं क्या लिख देता हूँ #FFX या वाइट में लिख देता हूँ, ठीक है, कि बैकग्राउंड कलर वाइट हो। दूसरे नंबर पे मैं कहता हूँ कि फॉन्ट साइज बॉडी में हमारा 12 पिक्सल हो, ओके। तीसरे नंबर पे मैं इसका कलर लिख देता हूँ कि बॉडी में हमारा कलर कौन सा हो, #6363 एक्चुअली मैंने इसी ऐसे फोटोशॉप डॉक्यूमेंट से लिए हुए हैं। और लाइन हाइट में एक्चुअली लाइन हाइट हम किस लिए यूज करते हैं, दो लाइनों के दरमियान गैप हो, तो ये मैं अपने फोटोशॉप डॉक्यूमेंट को मैंने ओपन किया है, दो पैराग्राफ जो मैंने बनाया था बॉडी में, तो उसका जो गैप होता है वो दो लाइन के दरमियान वो मैंने मेजर किया फोटोशॉप में, मैंने 22 पिक्सल रखे थे। और ये कलर जो लाइट ग्रेश का कलर है ये भी मैंने वहाँ से लिया है, 12 पिक्सल भी मैंने फोटोशॉप दी थी इसीलिए, और बैकग्राउंड कलर वाइट है। अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ आप देख ले फॉन्ट्स में चेंज आ गया है, फॉन्ट्स में चेंज आया कि नहीं, नहीं आया, क्योंकि मैंने क्या गलती की है, मैंने इस फाइल को इंक्लूड नहीं किया। मैं क्या कर देता हूँ, इसे इंक्लूड कर देता हूँ, स्टाइल डॉट सीएसएस। अब मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो आप देख ले चेंज आ गए हैं, क्योंकि हम इस फॉन्ट को बनाना चाहते हैं। अगर मैं अपने हम ये फॉन्ट हो गई उसी तरह की, ठीक है, बॉडी में हो गए, 12 पिक्सल हो गए, कलर भी उसी तरह का हो गया। अच्छा अब मुझे, मैं ये जनरलाइज स्टाइल ऐड करता हूँ ना, इसके बाद मुझे क्या करना है, मैं हेडिंग को टारगेट करता हूँ, कैसे, H1 लिख देता हूँ कि H1 H2 जो मैंने हेडिंग यूज की है, H3 H4 H5 और H6 को भी मैं कर देता हूँ। क्या मैं लिख देता हूँ कि इनका कलर क्या होना चाहिए, #53 मैं अपने नोट से देख रहा हूँ, मैंने ये कलर लिखे हैं 52 53 52 52, ठीक है। और मैं लिख देता हूँ कि फॉन्ट वेट, हेडिंग बाय डिफॉल्ट बोल्ड होते हैं ना, तो मैं कहता हूँ कि बोल्ड से हट जाए, नॉर्मल हो जाए, ओके, ये नॉर्मल हो गई। और फॉन्ट फैमिली कौन सी होनी चाहिए, मतलब मैं कहता हूँ कि कौन सा फॉन्ट, तो मैं लिख देता हूँ एरियल हेवेल्टिका एंड सेंस सेरिफ डिफॉल्ट, मैं फॉल बैक फॉन्ट प्रोवाइड कर लेता हूँ सेरिफ और सेंस सेरिफ फॉन्ट के तौर पर, इस टाइप जो हर एक ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो। मैं कहता हूँ कि अगर एरियल ना हो तो आप हेवेल्टिक सिस्टम से लोड करो, अगर हेवेल्टिका ना हो तो सेंस सेरिफ। अगर आप, मैं रिफ्रेश करूँ और आप हेडिंग्स को देख लो, ये जैसे हमारे हेडिंग है तो ये चेंज हो गए, देख लिए अब ये सरा हो गए हेडिंग्स हमारे, ये हेडिंग हो गए, ये हेडिंग हो गए, यहाँ पे अब हम देख सकते हैं ना ये हेडिंग है और ये हेडिंग है, वेलकम टू चेंज। अच्छा तीसरे नंबर पे मैं क्या, अब मैं हर एक हेडिंग के लिए, ये तो मैंने सबको वो कॉमन प्रॉपर्टीज दे दी है ना, अब मैं हर एक हेडिंग को दोबारा टारगेट करना चाहता हूँ, क्यों, मैं उसकी फॉन्ट साइज को बढ़ाना चाहता हूँ, तो मैं लिख देता हूँ H1 फॉन्ट डैश साइज कितना, मैं लिख देता हूँ 25 पिक्सल। ये वैल्यूज मैंने सारे फोटोशॉप से लिए, तो ये हमारा हेडिंग 1 वो चेंज हो गया। और इसी तरह मैं सबको मैं पेस्ट कर देता हूँ, मैं 1 2 3 4 5 6 इस तरह मैं H2 का भी चेंज कर देता हूँ, H2 का होगा 23 पिक्सल, H3 का होगा 21, H4 का होगा 19, हर 2 पिक्सल डिफरेंस है, H5 का होगा 17 और H6 रहता है 15 पिक्सल, तो ये तो हो गए,
मैं रिफ्रेश करूं, आप देख लें डिफरेंट डिफरेंस आ गया है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूं, मैं डिफॉल्ट क्या कहता हूं, जो अनऑर्डर लिस्ट है उनको मैं टारगेट करता हूं। जैसे यहां पे हो गए, मैं देखता हूं कि अनऑर्डर लिस्ट में लिस्ट स्टाइल क्या होना चाहिए, क्वेर। ये तो नजर नहीं है क्योंकि मार्जिन ऑफ पेडिंग है। मैं डिफॉल्ट लिंक को टारगेट करना चाहता हूँ कि हमारा डिफॉल्ट लिंक जो लिंक होता है उसका कलर क्या होना चाहिए, तो मैं लिख देता हूँ कलर। आप इस लिंक को देख रहे हैं ना, ये लिंक है सारे, इसका कलर बाय डिफॉल्ट ब्लू है, तो मैं इसे क्या करना चाहता हूँ, इसे रेड बनाना चाहता हूँ, रेड इस टाइप का। तो मैं लिख देता हूँ हैश 5352 5352 5352 सॉरी, लाइट ग्रे बन गए, राइट ग्रे कलर। और टेक्स्ट डेकोरेशन क्या मतलब, टेक्स्ट डेकोरेशन का मतलब क्या है कि मैं जो अंडरलाइन है, जो अंडरलाइन है लेट से, ये मैं हटाना चाहता हूँ ना, तो मैं नन कर देता हूँ। अब क्या होगा, इसे अंडरलाइन हट जाएगा, ये देख लिंक सारे लिंक से हट जाएंगे, लेकिन मैं ये क्या करता हूँ, अंडरलाइन ही कर देता हूँ। और अब मैं कहता हूँ कि जब माउस आ जाए तो क्या हो, एड एड होर, तो क्या एंटर मार देता हूँ कि हमारा कलर क्या हो, कलर क्या हो जाए कि जब माउस आ जाए तो कलर हमारा हो ए 9E देख ले, जैसे ही मूस आ जाए ना तो कलर रेडिश सा हो रहा है। और मैं कहता हूँ कि क्या हो, अच्छा यहाँ से मैं टेक्स्ट डेकोरेशन नन करता हूँ, यहाँ पे नन, और जब मूस आ जाए तो क्या हो, टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन। और देख ले लाइन आ रहा है इसके साथ, हर एक लिंक के साथ आ रहे हैं मोस। अगर ये कलर मैं चेंज करूँ, यहाँ पे मैं ये लेके जाऊँ कंट्रोल सी, और ये मैं यहाँ पे, तो आप देख लें ये सारा हो गया। एक्चुअली मैं यहाँ पे एक लिख देता हूँ कमेंट, लिख देता हूँ क्या कि बेसिक स्टाइल, कर देता हूँ वही चीज है। फिर हाँ, ये वीडियो में स्टॉप करता हूँ, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर स्टाइल रैपर और उस पूरे पेज का वो स्टार्ट करते हैं। ओके बाय।